ATR एक सपना है जिसे मैंने करीब 10 साल पहले देखा था और फाइनली इस साल पहली अक्टूबर को उसे सच में बदलने के इरादे से हम लोग घर से निकल पड़े। अक्टूबर में हमने राजस्थान के सारे टाइगर रिजर्व्स देखे, अलग अलग लोगों से मुलाकात की और बहुत कुछ जाना, समझा और सीखा। और फिर नवंबर आते आते हमने MP के जंगलों में घूमना शुरू किया और पूरे 7 टाइगर रिजर्व्स घूमते घूमते कुछ ऐसे पल बिताए जिनकी खुशी शायद जिंदगी भर रहेगी। फिर नवंबर खत्म हुआ और दिसंबर की शुरुआत हुई महाराष्ट्र में जाकर, जहाँ के जंगलों का एक अपना ही मिजाज है। एक तरफ ताडोबा की लाल मिट्टी थी और दूसरी तरफ मेलघाट के पहाड़। इन्हें जितना देख लो मन ही नहीं भरता। इन 3 महीनों में कुछ दिन ऐसे भी थे जब मन किया कि सब कुछ छोड़कर घर चले जाऊं, क्योंकि दिन रात का ट्रैवल, हर वक्त बाहर का खाना और 3-4 घंटे की नींद करके चले जाना उतना आसान भी नहीं है जितना पहले लग रहा था। पर आज वो दिन है जब मेरा जेन्युइनली मन कर रहा था दैट आई शुड लीव एवरीथिंग एंड रन गो होम। और अब फाइनली हम आ पहुंचे हैं गोवा, जहां कुछ दिन अपने लोगों से मिलकर घर जैसा एहसास तो हुआ, पर फिर याद आया कि ये सफर अभी बहुत लंबा है। अगर आप भी मेरे साथ ATR के सफर पर Day 1 से जुड़े हैं तो आपने देखा होगा कि हम हर रोज एक वीडियो अपलोड कर रहे थे, पर अब ऐसा नहीं होगा। अब से आपको वीडियोस मिलेंगे हर 3-4 दिन में लोकेशन के हिसाब से। इसका ये मतलब नहीं है कि डेली व्लॉग्स बंद हो जाएंगे, डेली व्लॉग्स आएंगे बट शॉर्ट्स के फॉर्म में। तो साथ जुड़े रहिए और ATR के सफर को एक नए सिरे से देखने के लिए तैयार हो जाइए। गोवा का जितना छोटा नाम है उतने ही ज्यादा मतलब है। कुछ लोगों के लिए गोवा एक लंबी छुट्टी है, कुछ लोगों के लिए गोवा का मतलब दोस्तों के साथ पार्टी है, कुछ लोगों के लिए शायद ध्यान करने की जगह भी है और कुछ लोगों के लिए मात्र एक भीड़ भाड़ वाला शहर। पर मेरे लिए गोवा हिंदुस्तान के कुछ सबसे रिच वाइल्ड लाइफ स्टेट्स में से एक है। सोलह दिसंबर को हम पहुंचे नेचर्स नेस्ट में, जो कि वेस्टर्न घाट्स के बीच भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास एक सुंदर सा रिजॉर्ट है। मेरी तरह अगर आप भी एक वाइल्ड लाइफ और नेचर लवर हैं तो ये जगह आपको काफी पसंद आएगी। खाना पीने हो गया है, लंच हो गया है और अब हम नेचर्स नेस्ट से निकलने लगे हैं आज के बर्डिंग सेशन के लिए। तो एक तो किंगफिशर तो ट्राई करेंगे अगर उसके कुछ अच्छे फुटेजेस मिल जाते हैं, और एक और बर्ड हम ट्राई करेंगे, फ्रॉग माउथ, श्रीलंकन फ्रॉग माउथ। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग बर्ड, लुक्स लाइक अ लीफ, कैमोफ्लेज इज इन अ लीफ, माउथ उसका फ्रॉग जैसा होता है एंड इट लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग। सो वो भी मेरा लाइफर है क्योंकि वेस्टर्न घाट्स में इससे पहले आई हैवंट ट्रैवल्ड मच, सो वी आर गोइंग टू गो फॉर दैट। मिलना उसका थोड़ा सा मुश्किल रहता है बिकॉज जिस एरिया में वो मिलता है वहाँ पर ट्री कटिंग बहुत है, तो मॉर्निंग ज़्यादा चांसेस होते हैं, बाय द टाइम इट्स इवनिंग इट गेट्स डिस्टर्ब्ड अ ग्रेट डील। बट फिर भी जाएंगे, जाना हमारा कर्तव्य है, कोशिश करना हमारा कर्तव्य है, मिला तो बढ़िया, विल गेट सम गुड फोटोज एंड फुटेजेस, अदरवाइज कल फिर से ट्राई करेंगे। भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का गेट नेचर्स नेस्ट से करीब 10 मिनट दूर है। सो एंटर कर लिया है भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, और ये वही एरिया जहाँ पे हम कल भी आए थे किंगफिशर के लिए। सो फ्रॉग माउथ और किंगफिशर दोनों यहीं पर ट्राई करने वाले हैं। एंट्री तो गाड़ी में हो गई, पर श्रीलंकन फ्रॉग माउथ के लिए सारे कैमरास रेडी करके हमें जंगल के अंदर पैदल जाना था। वी आर गोइंग इनसाइड नाउ टू ट्राई फॉर द फ्रॉग माउथ, और थोड़ा चल के जाना पड़ेगा, ट्रेल है अंदर, सो लेट्स गो। इसलिए हमने बस दो ही कैमरास साथ लेकर जाना ठीक समझा। श्रीलंकन फ्रॉग माउथ अपने आप में एक मजेदार पक्षी है। ये वेस्टर्न घाट्स में और श्रीलंका में मिलता है, पर इसे ढूंढ पाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इसका रंग सूखे पत्ते की तरह ब्राउन होता है। इसे घने जंगलों और सूखी टहनियों में दिन भर सोना पसंद है। नाइटजार नाम के पक्षी का रिश्तेदार है, नॉक्टर्नल है यानी रात में ज़्यादा एक्टिव रहता है, और बहुत ही शर्मीला बर्ड है, इसलिए मुझे उम्मीद ज़रा कम थी, पर वेस्टर्न घाट्स तक आकर कोशिश करना भी बनता था। फिर कुछ देर में फ्रॉग माउथ का पेयर हमें मिल गया। बर्ड हमको मिल गया है पर बहुत ज़्यादा ग्लिटर में, बहुत ज़्यादा ग्लिटर में सामने बैठी है, और अगर आप फर्स्ट ग्लांस रखते हैं तो शायद आपको लीव में और उसमें फ़र्क ही नहीं समझ में आए, वो ऐसे ही बैठी है जैसे ड्राई लीफ है, और वो पूरा ग्रीन छोड़ के ड्राई लीव्स के बीच में ही बैठे है, पैर है स्टिल बैठे है, नो मूवमेंट, नथिंग एट ऑल। एक जो बर्ड है उसकी आँखें थोड़ी खुली हैं, दूसरी वाली इज पीसफुली स्लीपिंग। पर इसे शूट कर पाना अपने आप में एक चैलेंज था क्योंकि दोनों बर्ड्स सूखे पत्तों के बीच बहुत सी टहनियों में छुप कर बैठे थे।
गुड दैट इट्स अ लाइफर आई सॉ फ्रॉम आउट. इस ट्रिप में ऐसा बहुत बार हुआ जब हमारे को बहुत अच्छे फोटोज़ खींचने का टाइम नहीं हुआ बिकॉज इट्स अ वेरी ट्रैवल एक्सटेंसिव ट्रिप 8 hours. तो थोड़ा सा फोकस मेरा स्पीशीज़ पे है कि अलग अलग जगह पे जाकर के वहाँ की स्पीशीज़ देख ली जाए सो दैट व्हेनेवर आई वांट टू एटलीस्ट शूट एंड व्हेनेवर यू आल्सो वांट टू शूट यू हैव अ फेयर आइडिया अबाउट वेयर यू कैन गो एंड व्हाट ऑल स्पीशीज आर फाउंड देयर. अब आज का ही दिन है हमारे पास इस पर फोकस करने के लिए तो वील गेट वॉट एवर वी कैन बिकॉज नॉक्टर्नल है तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है नहीं कुछ अच्छे फोटोज़ की. लाइट भी जा रही है पर एटलीस्ट द गुड थिंग इज दैट गोवा में फ्रॉग माउथ देखा फ्रॉग माउथ लाइफर वो भी मिल गया. I'm happy about that. Since finding and spotting it is very difficult, what are the key areas that we usually focus on when we are looking for frog mouth? See, frog mouth basically is a forest species which is endemic to Western Ghat and right. Sri Lanka because the first discovery in Sri Lanka. Full name is Sri Lankan frog mouth. Sri Lankan right? frog mouth basically. Hmm. So when you are looking for a day roost, basically they sit in a such a way clutter areas and they prefer those kind of habitat. Rich in dry leaf. Dry leaf area and undergrowth is too much, yeah. Okay. And then when you are looking for a day roost, okay, right. You need to put a lot of effort because you need to go early, late evening and early morning and find out where the bird calling from there and then you basically... And in the morning they don't even call, in the afternoon they no, sleep. No, they just sleep, they are nocturnal. So they, that's called a basically day roost. Right. So the Darius, when Darius is there, unless until they are not disturbed, they will be remaining same place for forever, for a quite long time. वहाँ से हम निकले मालाबार बारबेट की तलाश में, पर सैंचुरी के अंदर शाम के वक्त ह्यूमन मूवमेंट बहुत ज्यादा रहता है तो साइटिंग के चांसेस लग नहीं रहे थे. ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दिस इज इन द सदर्न पार्ट ऑफ गोवा और यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा ह्यूमन डिस्टर्बेंस है नो डाउट. सेटलमेंट्स बहुत हैं, विलेजर्स के घर बहुत हैं, यहाँ के लोगों के घर बहुत हैं, गंदा भी है, काफ़ी गंद मचा हुआ है. ऑब्वियसली ह्यूमंस रहेंगे तो ये तो रहेगा ही. सो थोड़े थोड़े बीच में एरियाज है जो थोड़े थिक ग्रीन पैचेस हैं. जस्ट टू मैंशन कि अगर आप ATR में मुझे फॉलो कर रहे हैं सीरीज़ में और आप ATR के ब्लॉग्स देख रहे हैं डेली ब्लॉग्स, तो एक चीज़ आप ना भूलें कि ये जो ATR हम कर रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं, इट्स मोर लाइक अ डॉक्यूमेंटेशन प्रोजेक्ट फॉर मी कि इस टाइम पे इस एरिया में मैं यहाँ थी और उस वक्त मैंने ये देखा. ये मैं आप तक पहुँचाना चाहती हूँ कि करंट स्टेटस ऑफ फॉरेस्ट क्या है, करंट स्टेटस ऑफ जंगल्स इंडिया में क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ का, टाइगर रिजर्व्स का, हर चीज़ का, जो भी मुझे दिख रहा है अभी के लिए. इसलिए मैं रेगुलर टाइम स्टैम्प्स भी डालती हूँ, प्रॉपर डेट एड्रेस एवरीथिंग इज़ देयर. So that at least 2 years, 3 years later, or let's say 5-10 years later also, whatever internet's life is, which I'm assuming is just not finishing anytime soon. So at least जब तक ये है तब तक आप लोगों को पता रहे कि क्या क्या documentation हो रही है और क्या क्या चीज़ें हमें भी दिख रही हैं और क्या क्या चीज़ें आप लोग भी देख पा रहे हैं. तो कुछ देर घूम कर हमने वहाँ से नेचर्स नेस्ट जाना ठीक समझा, जहाँ हमें शाम को ऑथेंटिक कोंकणी खाना चखने का मौका मिला. So we have a few interesting local things on the menu. Lemon rice है, mushroom amblyochik है which is mushroom cooked in coconut gravy. And we have, sorry if I'm pronouncing it wrong, मुझे लग रहा है Konkani words हैं. And we have, the other thing is tembliachi bhaji which is again a vegetable which is locally grown over here. And I'm guessing all these names are Konkani में होंगे ना? And all these names are Konkani, so forgive me if I'm pronouncing them wrong. और साथ में दाल है and then we have lemon rice. So let's enjoy our dinner and then proceed to the night safari. अब बारी आती है night safari की. रात में जंगल की दुनिया अलग ही हो जाती है. और हमारा night safari का target set था. हर हाल में slender loris को ढूंढना था. ये एक primate है जो रात को ही active होता है. काफी देर तक घूमने के बाद अचानक अभिजीत जी की नजर पड़ी लॉरिस पर. कल भी ढूंढा, आज भी ढूंढा एंड सिटिंग राइट इनसाइड द वेजिटेशन. छोटा लग रहा है बहुत, मतलब मे बी इट्स अ सब एडल्ट और समथिंग, बट बड़ी बड़ी आंखें करके कॉन्स्टेंटली यहाँ पे देख रहे हैं. नॉर्मली इतनी देर रुकते नहीं है बट दिस इज़ वेरी कोऑपरेटिव
And the best part is, since we are not inside the forest and we are not inside the sanctuary, we are just outside the resort, we can actually stand here and shoot. It's peacefully sitting, looking here and there, and of course vegetation ke beech mein to bahut achhe shots nahi aa rahe, but still Slender Lord is dekha, uska photo mil gaya. Aap apne aap mein, I'm really happy about that. At least I could record it when I'm here. IUCN Red List ke hisab se Loris near threatened ke under classified hai. ये बहुत शाय और छोटा जानवर है, तो इसे फोटोग्राफ करना थोड़ा चैलेंजिंग है। स्लेंडर लॉरस की फोटोग्राफी थोड़ी सी ट्रिकी है, स्पेशली अगर वो वेजिटेशन के अंदर हो तो। पहला प्रॉब्लम ये है दैट इफ़ यू आर नॉट यूजिंग अ सपोर्ट, इफ़ यू आर जस्ट हैंड होल्डिंग, देन यू इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन द फोकस। सो फोकसिंग पॉइंट हिलता रहता है और उसकी वजह से फोकस जाता रहता है। बिसाइड्स इट्स अ नॉक्टर्नल एनिमल, तो रात में लाइट का भी बहुत लाइट कम रहती है, तो डिटेल मिलना अपने आप में मुश्किल है। आपका ISO हाई होता है, आप अंडर एक्सपोजर पे होते हैं और एक एक्सटर्नल लाइट सोर्स के थ्रू आप लॉरस को शूट करते हैं। सो ऑल इन ऑल सारे फैक्टर्स जो हैं वो थोड़ा सा ट्रिकी बना देते हैं। सो वॉट आई डिड वॉज, बिकॉज दूर था, वेजिटेशन में था, तो पहले आप उसको ऑटो फोकस करके एक एरिया ढूंढ लेते हैं कि कहाँ पर है वो। अब उसको फाइन करने के लिए देन यू शिफ्ट योर ऑटो फोकस टू मैनुअल फोकस, और अभी ग्रेजुअली यू मेंटेन द फोकस ऑन द सच एनिमल। इफ यू ऑल्सो कम अक्रॉस समथिंग लाइक दिस कि वेजिटेशन में बैठा है सब्जेक्ट और बहुत फ्लटर में, तो यू कैन कंसिडर दिस स्विचिंग टू मैनुअल फोकस। ये सिचुएशंस होती हैं, बहुत लोग मुझसे पूछते हैं आप कौन सा फोकसिंग मोड यूज़ करते हैं, मैनुअल कब यूज़ होता है। सो कुछ सिचुएशंस ऐसी ही होती हैं जिसके अंदर आपको मैनुअल फोकस की जरूरत पड़ती है। रात में जंगल की दुनिया अलग ही हो जाती है। जो आप देख रहे हैं ये धुआं नहीं है, ये फंगस का रिप्रोडक्शन, प्रजनन यानी खुद को बढ़ाने का तरीका है। इसे स्पोर्स कहते हैं और ये प्रोसेस मॉनसून या पोस्ट मॉनसून में अक्सर होता है। ये स्पोर्स जाकर एनवायरनमेंट में फैलते हैं और अगर फंगस के लिए सूटेबल जगह पर पहुंच जाए तो वहां और फंगस पैदा होने लगती है। उसके कुछ दूर पर ही हमको एक सांप भी मिला। यह ह्यूमंस के लिए माइल्डली वेनमस है और बिल्ली जैसे वर्टिकल प्यूपल्स होने की वजह से इसे कैट आइड स्नेक कहा जाता है। और कैट आइड स्नेक को देखकर हम पहुंचे वापस, क्योंकि अगले दिन सुबह बर्डिंग के लिए जल्दी उठना था। नेचर्स नेस्ट बहुत मज़ेदार जगह है। नेचर्स नेस्ट के आसपास हमें काफ़ी सारी एंडेमिक स्पीशीज मिली, जैसे विगर्स सनबर्ड और क्रिम्सन बैक सनबर्ड। सो लॉट ऑफ ब्यूटिफुल बर्ड्स आर कमिंग एंड गोइंग एंड फ्लाइंग। थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है क्योंकि हम मेन रोड पर खड़े हैं तो गाड़ियाँ बहुत आ जा रही हैं, बट आई गॉट अ कपल ऑफ फुटेजेस ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग बर्ड्स। सनबर्ड बहुत ज़्यादा कॉमन है, पर्पल सनबर्ड तो बहुत ही कॉमन है, उसका मेल और फीमेल दोनों ही यहाँ पर हैं। और पैरट्स का मैं अभी वेट कर रही हूँ, एक ग्लिम्स मिला है पैरट्स का, जस्ट गॉट वन फोटोग्राफ एंड या दैट्स ऑल फॉर नाउ। देखते हैं और क्या क्या बर्ड्स आ रही है, बट लॉट ऑफ देम आर सो स्मॉल एंड कलरफुल दैट देयर कॉन्स्टेंटली फ्लाइंग एंड गोइंग, सो इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट टू इवन कैच अ ग्लिम्स और शूट देम। देयर इज एन एक्टिविटी इनसाइड, झाड़ हिल रहा है कंटिन्यूसली, बट मगर सबसे स्पेशल था ये। अगर आप इसे पहली बार देख रहे हैं तो आपने कभी पैरट यानी तोता नहीं देखा। इसे वर्नल हैंगिंग पैरट कहते हैं और इंडिया में यही एक ट्रू पैरट की स्पीशीज है, बाकी सब पैराकीट्स हैं। पैरट्स पैराकीट्स से साइज में थोड़े बड़े होते हैं और उनकी पॉइंटेड पूंछ नहीं होती। एन इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट पैराकीट्स इज इन इंडिया 11 तरीके की स्पीशीज आपको मिलते हैं पैराकीट्स के इन टोटल, मेनली 11, और एटलीस्ट आई वुड से 11 देखे गए हैं, और उसमें से सिर्फ एक ही है जिसे हम ट्रू पैरट के अंदर कंसिडर करते हैं। मतलब जो भी आप ये ग्रीन कलर के पैरट दिखने वाले बर्ड्स देखते हैं उनको पैराकीट्स बोला जाता है, और ट्रू पैरट, प्रॉपर पैरट जो होता है वो सिर्फ यही है, वर्नल हैंगिंग पैरट। और ये वर्नल हैंगिंग पैरट एंडेमिक टू दिस पर्टिकुलर एरिया है। IUCN के सबसे थ्रेटेंड वगैरह नहीं है, इट्स ऑफ लीस्ट कंसर्न, इस एरिया में बहुत विजिबल होता है, बट अगर इधर आए तो एटलीस्ट यू कैन हैव अ लुक कैन एटलीस्ट यू विल बी एबल टू से कि आपने एटलीस्ट पैरट देखा है। जो भी आप मार्केट में देखते हैं जिनको भी पेट्स बनाया जाता है, जिनके रेड हेड्स होते हैं, प्लम हेड्स होते हैं, दीज आर पैराकीट्स, जैसे प्लम हेडेड पैराकीट हो गया, अलेक्जेंड्रीन पैराकीट हो गया, बहुत सारे स्पीसीज है पैराकीट्स के, सो दोज आर नॉट पैरट्स। आज ATR का 76वां दिन था और नेचर्स नेस्ट में एक बढ़िया बर्डिंग सेशन के बाद हम निकले काली टाइगर रिजर्व के लिए, जो कर्नाटका में हमारा अगला डेस्टिनेशन है।